शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी पर जो विशेष पूजा की जाती है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एक दो कमेंट आए थे कि मैम आप पूरी पूजा विधि करके बताएं कि आपको एकादशी के दिन कैसे पूजा हम लोग करें, आप पूरी पूजा विधि हमें बताएं। जैसा कि आपको पता ही है देवशयनी एकादशी है। आज के दिन से हमारे भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में निद्रा के लिए चले जाएंगे। तो उनकी निद्रा में जाने से पहले हमें भगवान श्री हरि यानी कि भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी है। तो हमें वो विशेष पूजा कैसे करनी है और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देवशयनी एकादशी पे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले तो हमें एक चौकी लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चौकी लगानी है, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहीं बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चौकी लगाई है अलग से, उसके ऊपर मैंने बिछाया है पीला कपड़ा। फिर हमें चाहिए विष्णु जी की मूर्ति, या लड्डू गोपाल जी हो या आपके पास शालिग्राम जी हो तो आप उन्हें भी बिठा सकते हैं। तो मैंने शालिग्राम जी लिए हैं। फिर हमें चाहिए पंचामृत, जो मैंने दूध दही शहद गंगा जल और तुलसी दल डालकर बनाया है, इससे स्नान करवाएंगे। पीले फल चाहिए हमें, पीले फूल, पीला चंदन चाहिए जिससे हम भगवान विष्णु को शालिग्राम जी को तिलक लगाएंगे। और उसके लिए भोग के लिए हमें चाहिए एक मीठा पान, ये भी हमें भोग के लिए चाहिए। बाकी जब हम इनकी आरती वगैरह करेंगे तो उसके बाद आप इनको घर में जो भी खाना बने उसका भोग लगा सकते हैं। हमें चाहिए एक दिया, धूप और एक हमें चाहिए पीला कपड़ा जो हम भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। तो ये सारा सामान जो था वो मैंने आपको बताया कि देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन हमारे श्री हरि सोने को चले जाएंगे, तो सामान मैंने आपको सारा बता दिया। तो सुबह उठकर आपको गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना है। उसके बाद आपको ये सारा सामान इकट्ठा करके चौकी लगाकर या अपने घर के मंदिर में पूजा करनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम भगवान शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हम शालिग्राम जी को स्नान करवाएंगे जो मैंने पंचामृत बनाया है उससे। और आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर हम सादे जल से इनको स्नान करवा देंगे। फिर इनको सॉफ्ट टॉवल से पोंछ कर इनको अपनी जगह पर कर देंगे एक बार विराजमान। स्नान करवाने के बाद इन्हें लगाएंगे पीले चंदन से तिलक। इनके तिलक भी लगाएंगे, इनकी आईज वगैरह भी बना दूंगी। आज मैं इनका पूरा श्रृंगार करूंगी। तो मैंने पीले चंदन से इनका श्रृंगार कर दिया। अब मैं इनको जो पीला वस्त्र मैंने लिया हुआ है छोटा सा, वो पहना दूंगी इन्हें। अगर आप इनको वस्त्र ऐसे ना पहनाओ तो आप इन्हें पीला कपड़ा बिछा कर वैसे भी बिठा सकते हैं, ये देखिए। फिर मैं इनके लगा दूंगी ये पगड़ी, ये देखिए। तो इनकी पूजा करते हुए हमें भगवान विष्णु का ही ध्यान करना है, इनके मंत्रों का उच्चारण ही करना है। अगर कोई मंत्र नहीं भी आए तो ओम विष्णवे नमः या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। फिर इन्हें पहना देंगे पीले फूलों की माला। फिर इन्हें चढ़ाएंगे पीले फल। फिर मैं चढ़ाऊंगी इन्हें मीठा पान जो मैंने
विष्णु भगवान जी के लिए या शालिग्राम जी के लिए वो चढ़ा देंगे। फिर मैं इन्हें चढ़ाऊंगी तुलसी के पत्ते जो कि इन्हें बहुत ही प्रिय है। फिर हम सबसे बाद में करेंगे आरती। फिर जलाएंगे धूप। फिर विष्णु भगवान जी की करेंगे आरती। आरती हमें ओम जय जगदीश हरे ही बोलनी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद हमें एक मंत्र बोलना है, वो है सुप्ते तवई जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वई बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। आरती करने के बाद आप इन्हें भोग लगाएं जो आपने घर में एकादशी का भोग बनाया है। एक थाली आप मंदिर में पहुंचा दें या किसी जरूरतमंद को दे दें या आपके घर में जो भी है उन्हें खिलाएं और आप ठाकुर जी को भी भोग लगाएं। फिर जब आप इनको शाम को सुलाएंगे तो आप जहाँ इन्हें सुलाएंगे जिस भी आसन पर इन्हें सुलाते हैं वहाँ पर एक सफ़ेद चादर बिछाएं, फिर ही भगवान श्री विष्णु को शयन करवाएं रात्रि को। तो देवशयनी एकादशी पर कैसे आपको पूजा करनी है, किस मंत्र का जाप करना है, मंत्र तो आपको ओम विष्णवे नमः का ही करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है, भगवान जी को क्या क्या चढ़ाना है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। जितना मुझे पता था वो सब मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह देते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।